What? Very excited. We are all nominated. Or and we are all supporting each other. And we all want awards. We will all take the awards and go. We are jury nominated. Yeah. And he is also nominated. All of us are nominated. यार बहुत सारे नॉमिनेशन भी हो गए टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे अवार्ड्स भी ले लिए, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिलता हम किसी और को मौका देंगे। सपोर्टिंग मेल, बहुत सारे लोग हमारी टीम में से सभी हम इसमें सपोर्टिंग में हैं, बाकी आई थिंक हमारी टीम में से सब लोग बहुत सारी कैटेगरीज में हैं नॉमिनेटेड। यस, वी जस्ट हमने नहीं तैयारी हमने एक्चुअली हम लोग जितने भी ये मोहब्बतें वाले हैं वो शायद तैयारी करने की उनको ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी तैयार रहते हैं हर चीज़ के लिए, उनको बस मौके की तलाश होती है, वो सीधा चौका नहीं छक्का मारते। We were just hoping that we pack up on time so that we can make it over here and we are finally here. ड्रेस भाड़े के कपड़े पहने। I love slim fit gowns. I am most comfortable in slim fit gowns, and I wanted to wear a popping color. And neon is the color of the season, so yeah. She looks good in everything. लड़कियों को तो बहुत तैयार होना पड़ता है यार, लड़कों का कुछ नहीं होता, शर्ट पहना ब्लेजर पहना हो गए रेडी तैयार। हाँ, पिछले चार दिनों से ही डिसाइडिंग इस क्लोथ बिल्कुल तैयार नहीं होना था वो आप कल मिलो फिर बताते हैं। ओह माय गॉड, अगर हमें पहचान पाए तो। थैंक यू, थैंक यू, विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी होली, प्ले सेफ, डोंट ड्रिंक and have fun, be safe. Thank you. Thank you. Look who's saying play safe. Oh, no, yeah. Thank you. Safe. Thank you. थैंक यू, मैं तुम्हारा इंस्टा चेक करूंगी तुमने वोट किया कि और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एवरीवन इज लुकिंग सो
स्टर्निंग फैबुलस, तो बहुत अच्छा लगा सबको इतने सुंदर सुंदर अटायर्स में देख कर, इतनी अच्छी प्रिटी प्रिटी बातें करते हुए, मज़ा आ रहा है। बहुत एक्साइटेड हूँ और कल रोहित की छुट्टी भी है तो खूब मज़े करने वाले हैं घर पर, हम लोग बाहर भी जाएंगे। दुंजिया तो मैं बहुत सारी खा चुकी हूँ और शायद वेट पुटान भी कर चुकी हूँ, मैंने मेजर ही नहीं किया। विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी होली, खूब सारी गुंजिया खाइए और जितने भी फ्राइड फूड है वो खाइए और लिमिटेड खाइए अगर हो सके तो, और खूब सारा रंग उड़ाइए और खुश रहिए फूलों वाली होली के लिए। थैंक यू। मेरा नाम मानसी है, आप वही पूछ रहे ना कब से मानसी पारे। ओके ओके, रोलिंग रोलिंग एक्शन। हाय एवरीबॉडी, हेलो, हैप्पी होली। के तो वी आर एक्साइटेड फॉर द इंडियन टेली अवार्ड्स एंड वी आर हियर टुडे बिकॉज़ आई एम प्रेजेंटिंग एन अवार्ड एंड वी आर पार्ट ऑफ द इंडियन टेलीविजन फ्रेटर्निटी, सो वी आर हियर। बोथ to know who's winning the awards and to of course watch the performances. Indian Telly Awards is always fun, so this will be a great opportunity to see everybody. And that's our daughter Nirvi. Say hi. 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 Happy Holi. Jordi ke bolan. Hi. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Tomorrow is she's already in the holy mood. तो हम सब होली खेलने वाले हैं कल एंड वी विल बी विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑब्वियसली विल बी अ सेफ होली विदाउट टू मच वाटर एंड ऑर्गेनिक कलर्स बिकॉज सेविंग वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यस। वेल जस्ट हैप्पी होली टू एवरीबॉडी, हैव अ हैप्पी सेफ एंड वंडरफुल होली एंड मे दिस ईयर बी एज कलरफुल एंड ब्राइट एज ऑल द कलर्स अराउंड यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। Interview, not bites, huh? Well, it should be. Come by. Hi. Nee, nominations, so that's why we're here. She's nominated for 2 awards and I'm nominated for 1 award. And really excited because इससे आपको पता चलता है, व्हाट आई सेड बिफोर आल्सो, इससे आपको पता चलता है कि येस यू आर वर्किंग हार्ड एंड योर वो रंग ला रही है चीज़, सो वी आर वेरी ग्लैड एंड एक्साइटेड। यही बहुत बड़ा अवार्ड है कि हम नॉमिनेट हो गए हैं, इसके बाद तो देखा जाएगा। Five hours. No. It's not that. It's on the show that I take a lot of time. This is actually it just happens. The jewelry on the show, the whole hairdo, and the sindoor to put so that it doesn't. It's like a big like. Thank you. जी जी जी, बहुत आपका भी सेट पे है, आपको भी पता चलेगा क्या खेल लिया हमने। बस यही हुआ था कि हर एक जिसका पैकअप हो रहा था, जिसका पैकअप हो रहा था, उसको अच्छी तरह से होली बनाई जाती है ताकि वो याद रखे अगली होली तक कि होली खेली जा कैसे जाती है। सो या बस हमारा यही था कि हम अच्छी तरह लोगों को रियलाइज़ करवाएं कि होली है।
Nothing, nothing. You know, I love the fact about people assuming things. हमसे पूछो, हमारे सेट पर आके पूछो, हमसे पूछो. I mean, there is nothing happening there. In fact, touch wood, after the Holi episode, I don't know if anybody wants to comment also on that. Yeah, and this is what this is. Hi. अच्छा. Hi guys. I'm gonna start. Tina is taking an exit or what? That's what they're saying. मैं क्या कसौटी कर रहा हूँ? नहीं मुझे क्या मालूम लेकिन तुम आते तो हो ना हम तुमसे मिलने आता हूँ मैं इससे मिलने आता हूँ बट मैं कसौटी नहीं कर रहा पर अगर वो लेकर कर रही हैं एग्जिट तो बहुत अच्छी बात है उनकी कोई फिल्म की भी बात चल रही थी आई एम सो प्राउड ऑफ हिना दैट शी इज डूइंग सच गुड वर्क यार एंड यू नो शी इज अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर आई मीन शी नोस एवरीबॉडीज लाइंस हां मिका या शी नोस एवरीबॉडीज लाइंस शी नोस हर लाइंस शी इज देयर यू गिव हर इनपुट्स आई मीन इट्स ब्रिलियंट तुम इतने मोटे कैसे हो गए हो लूज नहीं कर रहे वेट यार बॉडी शेमिंग की अभी बात नहीं है पर नहीं यार एज अ फ्रेंड यू हैव टू टेल पीपल दैट दे शुड लूज वेट यार अभी एटलीस्ट 5 केजीस कम थे तुम 2 महीने पहले क्यों टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट हां बोल सॉरी क्या बोल रहे तुम ये देखो पर तू वेट लूज करेगा क्योंकि जितनी बार मैं तुझे दिखेगा मैं उतनी बार बोलने वाला हूं नो आई जेन्युइनली वुड वांट टू से फॉर दैट बिकॉज़ ऑफ बॉडी शेमिंग का वहां नहीं नहीं आई नो हिम सो ऑल एवरी सिंगल टाइम 1 ईयर आई हैव बीन नोइंग हिम ही इज गोना टू पुट ऑन वेट नो जस्ट या यू शुड प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ या वेरी इंपॉर्टेंट या इट्स फॉर द हेल्थ पर्पस या एनी अदर सीरियस बोल रहा हूं तुम लोग ऐसे बोल रहे हो हां भाई अच्छा सवाल तो पूछ लो यार ये कसौटी के एक क्वेश्चन है तुम लोग बात सो दैट्स आई विल स्टे हियर नो बट सो दैट्स अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन जैसे इन्होंने बताया कि हम सब इतने क्लोज हैं एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली वी गोना मिस हर एंड वी डोंट वांट हर टू गो बट इफ शी वांट्स टू गो दैट्स हर विश सो या बट नो आई वुड रियली विश हर ऑल द बेस्ट बिकॉज़ आई थिंक जस्ट आई आल्सो सेड द सेम या 2 मंथ्स दैट शी इज बीन वर्किंग एंड आई हैव बीन वर्किंग विद हर ऑल द टाइम आई थिंक इट्स नाइस या देयर इज लाइक एन एलिवेशन यू नो इन द केमिस्ट्री दैट कोमोलिका एंड मोहिनी शेयर्स या देखिए मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ मेरे कुछ फ्रेंड्स नॉमिनेटेड हैं ऑब्वियसली मैं एक्साइटेड हूँ अगर वो जीतेंगे ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे एक गैग करने के लिए भी बुलाया है और उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरे बैंक में पैसे आएंगे उसके बाद इट्स ऑल गुड यार बाय द वे तुम्हारे फ्रेंड्स नॉमिनेटेड हैं हमारे फ्रेंड्स भी नॉमिनेट जो मुझे भी एक्चुअली 2 दिन पहले ही पता चला अरे पर मैंने तो वही तो बोला मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे तुम मैंने ऐसे हाथ नहीं किया तुम ये साइड भी करो या ये करो मेरे फ्रेंड्स नॉमिनेटेड हैं वहां भी और यहां भी और मैं बड़ा खुश हूं कि अगर वो जीतेंगे बिकॉज़ इट्स एक्सट्रीमली नाइस दैट एवरीवन गेट्स अ गुड जॉब वाला जो या द अवार्ड्स आर अ केक आई थिंक द अवार्ड इज नाइस होली का स्पेशल प्लानिंग ये है कि मेरी माताजी यहीं हैं तो उनके साथ मुझे सुबह उठ के गुजिया बना के बेलो ना मम्स कांट कुक सो मच सो वी बेलो एंड एक जना काट रहा होता है एक जना भर रहा होता है फिर मॉम ऐसे तल के ऐसे डालती है और गर्म गर्म गुजिया हम लोग खा रहे होते हैं आफ्टर दैट हेलो आफ्टर दैट देयर इज दिस वेरी ह्यूज होली पार्टी जो कि बालाजी ने करी है एंड वी ऑल आर गोइंग देयर अच्छा यू आर आल्सो कमिंग देयर अच्छा सो दैट्स हैपनिंग उसके बाद हम चले जाएंगे जहां जा सकते हैं अगर बचेंगे तो थैंक यू सो मच थैंक यू हेलो Yes. She's at home because it's her first Holi, so she's with the dad and the family. क्या हो गया मैं ऐसे देख के बात करूँ ओके थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ तो जैसे हर साल होती है सुबह एक छोटी सी पूजा होती है
फिर घर में हम सब बैठ के मिलके ठंडाई बनाते हैं और फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं. दैट्स इट. अभी तक तो रिस्पांस अच्छा है एंड आई एम ग्लैड अबाउट दैट. नर्वसनेस थी थोड़ी सी बिकॉज ऑलरेडी इतने बड़े कलाकार उसमें थे और उनके शूज में हम स्टेप इन कर रहे हैं. सो इट वाज नर्वस बट आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव रिसीव्ड मी वेरी वेल. I'm actually not feeling bad because we went down with dignity and at the right time, I guess. And everything that starts must end. So yes, the journey has come to an end. Absolutely. It's very close to my heart and I will definitely, if I'm free, if I'm not already committed somewhere else, I will definitely be there. Hi, good evening, people. Say. Hi. Good, how are you? Good evening. Yeah, I'm excited about the evening itself. Everybody's looking great. It's a great evening. It's a lovely evening. I have a beautiful wife standing with me here. So, I'm totally excited. Yes, I'm nominated and fingers crossed for that. Yes, I believe so. I'm feeling pressured now. No, I think there is no performance this time, but yes, I would love to, but I think this year there is no performance is happening. Also, it's very different because it's live, on yes. Z5. It's something new. It's something that we haven't experienced yes, before. Yes, yes. So, we're excited. Yes. Streaming live on Z5. Z5. होली के स्पेशल प्लान्स नहीं है यार. मैं बस होली का इंतजार इसलिए करता हूँ क्योंकि गुजिया खाने को मिलती है मुझे एंड आई रियली मिस दोस खोए वाली जो गुजिया होती है ना वो यहाँ मिलती नहीं है एक्चुअली बॉम्बे में. वो दिल्ली में मिलती है. वी वर जस्ट डिस्कसिंग दैट इन द कार. तो मैं एक्चुअली अपनी सासू मामा को मैंने आज फोन किया. वो बॉम्बे में रहते हैं. मैंने कहा प्लीज़ मामा मेरे लिए बना के रखना वो थोड़ा सा. तो लेट्स सी इफ शी कैन डू दैट फॉर मी. आई विल बी ब्लेस्ड. एंड बाकी यही दोस्तों के साथ होली खेलेंगे. पहले मैं थोड़ी धमाल मचाता था. अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा सटल हो गया लाइफ में जब से शादी हुई है मेरी. मैंने कुछ नहीं किया. इट्स जस्ट दैट नाउ वी हैव मोर फन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. थोड़े बहुत रंग भी हो जाते हैं बट मोर अबाउट खाना पीना गप्पे शप्पे एवरीवन गेटिंग टुगेदर दैट्स आवर होली. विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली. हैप्पी होली गाइस. एंजॉय. थैंक यू. कौन सा मोबाइल? मुझे लगा मेरा मोबाइल चलो पीछे ना मैं पीछे जाता हूँ. Thank you.
are you? We will have to wait and watch. You know, the only reason why I'm here is because of the fans. And all I would like to tell them is I am filled with gratitude for the constant and consistent love and support that they have given me all through the years. So I would just like to thank them and keep, and just want to tell them that, you know, keep the love pouring in, and whatever I do next will hopefully be something that you would like to watch, and let's just leave it at that. Oh, never ask a girl that question. Never. You're a girl. Never. How much time did you take to get ready? Me too. Just 10 minutes I was ready. I wake up like this. Tell me, sorry, what? See, it took me 10 minutes to get ready, okay, firstly. I wanted to go a little pastel today, so I have a very, very competent team of stylists, makeup and hair people who go out of their way to make sure that I look like this. So a big thank you to all of them. I don't know, I'm just here to dazzle, so I hopefully am doing that. I don't really play Holi, but I would like to wish everybody a very happy and safe Holi. And I would like to tell everybody to not waste water, celebrate the festival like a festival. And just take care of yourselves, take care of the and how are you animals around you, and that's it. Thanks, bye-bye. मुझे होली के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है बिकॉज कल होली है, तो मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करके. और वैसे भी कांग्रेस पार्टी को बहुत यूथ लोग चाहिए थे, तो हमने कहा हम ही ज्वाइन करेंगे. यार ऐसी बकवास क्वेश्चन मुझसे मत करो, बिकॉज मैं ऐसे वाहियात लोगों के बारे में बात नहीं करती. क्यों मेरी रात खराब कर रही हो? आकाश कहाँ है? आई डोंट नो. मैं आकाश से अभी तक नहीं मिली हूँ, और मैं ज़रूर उसको देखना चाहूँगी अगर उसने अपना लुक चेंज किया है आफ्टर बिग बॉस. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. आकाश दादलानी को देखना तो मतलब बनता है. वो उसका बोलना मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता, आई एम सॉरी. और अगर उसको ये लगता है कि मैंने गलत पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, गलत जगह ज्वाइन किया, तो आई एम सो सॉरी आकाश. तुझे तो ना बीजेपी लेगा ना कांग्रेस लेगा. हाँ जी. नो वे, मैं तो सबसे ज़्यादा सेफ हूँ. और मैं ही एक ऐसी बंदी हूँ कि मैं बड़ा नाज करती हूँ कि मैं इंडिया में हूँ, ताकि मैं यहाँ पर बिकनी भी पहन सकती हूँ और आराम से घूम सकती हूँ. आई एम वेरी हैप्पी. जी मैं लोगों के ऊपर रंग फेंकूँगी, मेरी खिड़की से जो जो निकलेंगे आसपास से नीचे, मैं उनके ऊपर रंग फेंकूँगी और उनके मतलब ऊपर ही मतलब ना देख पाएँ कि अर्शी खान ने फेंका, मैं उनको परेशान करूँगी फुल. नहीं मत खिलाओ यार. खाना नहीं खाना है मुझे. मेरे आकाश हे भगवान, कितने टेली अवार्ड्स में प्यार के बारे में क्यों पूछ रहे हो? प्यार मुझे बहुत बार हुआ है, लेकिन इकरार भी बार बार हुआ है. लेकिन ब्रेकअप हर बार हुआ है.
वेरी एक्साइटेड. मैं बहुत खुश हूँ कोबरा पोस्ट वालों से कि वो मतलब मुझे मेरे पास क्यों नहीं आया, ऐसा क्या हुआ जो वो मेरे पास नहीं आया. आप लोग मेरे पास भी आना चाहिए था तो और मसालेदार चीज़ें मिलती हैं. लेकिन अब मैं बड़ी सतर्क हो गई हूँ, अगर वो मेरे पास आएंगे तो मैं इतने अच्छे जवाब देने वाली हूँ ना कि आवाम देखती रह जाएगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक बार सोलो कर दी जी. क्या हाल चाल? मेरा नॉमिनेशन है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. देखो मैं एज अ फ्रेंड सपोर्ट हमेशा करता रहूंगा और खुद थोड़ा सा नॉमिनेटेड हूँ तो थोड़ा सा नॉमिनेटेड हूँ एंड होपफुली जिसको भी जो भी अवार्ड मिले आई थिंक वो बेहतर डिजर्व करते हैं. जो भी शायद मैं भी हो सकता हूँ, यू नेवर नो, बट ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. सो इट्स डिजर्विंग. यस जी. या या इवन आई वांट टू आस्क. या शट अप, यू नो एवरीथिंग. सो बेसिकली when the date is out, actually the date is out, but I'm not going to reveal it just as yet because I'm very superstitious about all these things. You know the date, don't act smart. Yeah, so when whenever I'm right comfortable time. My family is comfortable, I will let out the dates. Yes, it was. So everything of mine will be destination. Main iska jawab dena chahunga. ये मुझे मार देगी ऐसा, बट जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे. और इनकी एंगेजमेंट बहुत अच्छी रही थी माशाल्लाह, और इन्हें बहुत सारी खुशियाँ मिले. और ऐसे ही हमेशा जैसे अच्छे से मुस्कुराती हैं, मुस्कुराती रहें. और सबसे अच्छी बात ये कि जैसे नॉमिनेशन में नॉमिनेट हुई हैं तो वैसे ही जीते भी. सो स्वीट ऋषि, थैंक यू. इतना ही था. थैंक यू एवरीबॉडी. अच्छा आप लोगों ने मन मना लिया है कि मेरी बीबी को अवार्ड मिलने वाला है. वेरी गुड, पॉजिटिव थिंकिंग वर्क्स. पर हम दोनों यहाँ पे एक्चुअली एंजॉय करने के लिए आए हैं क्योंकि हम दोनों नॉमिनेटेड हैं. और दूसरी बात, हमें ये पता लगा कि ये तो टोटली लाइव जा रहा है मामला, तो हम बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए कि लाइव वाला मामला कैसा होता है क्योंकि ब्लूपर्स होंगे, कोई एडिट नहीं होने वाला है, तो बहुत एक्साइटिंग होगा ये शो. आई एम श्योर तुम्हारी ऑडियंस को तो कुछ नए नए रंग दिखने वाले हैं इस शो में. What about me? I'm excited because there are a lot of friends that we get to see. बहुत सारे दोस्त हैं, वाकिफ हैं, जानकार हैं, you know.
वाकिफ मेरा मन कर रहा था ऐसे कभी कभी ना मेरा मन कर जाता है बीच में से हिंदी का एक वर्ड याद आता है जो डालना ही होता है डालना ही होता है मुझे सेंटेंस में जबरदस्ती मैं वो सेंटेंस को मोल्ड कर देता हूँ उधर हाँ वो सेंटेंस की दिशा चेंज कर लेते तो हाँ सो नहीं आई एम वेरी हैप्पी यार हूएवर गेट्स इट अवार्ड्स आर एक्नॉलेजमेंट्स दे आर स्मॉल रिवॉर्ड्स दैट इंस्पायर एंड मोटिवेट एक्टर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे अच्छे अवार्ड शोज होते रहें ऑडियंस के लिए तो है ही अच्छा हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि यू नो यू गेट इंस्पायर टू वर्क हार्डर और मेरी बीवी ने बहुत मेहनत की है 5 सालों से अच्छा, तो आई एम रियली होपिंग आई एम होपिंग नहीं अब तो तुम अच्छी लगती हो अब तो आई मीन ये देखो ब्लूपर की बात कर रहे थे हम ये लो हो गया यही चाहते थे ना आप लोग यही तो चाहते थे इसी के लिए तो कॉन्सेप्ट बनाया था मतलब बिया बीवी में लड़ाई हो जाए नहीं पर मैं तो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ क्योंकि मैं अभी तो अच्छी लगती हूँ इनके कारण नहीं नहीं मतलब कहने का मतलब सच है अरे नहीं नहीं तारीफ सुन लो यार अगला सवाल नहीं मुझे तो देखो नो नो फॉर द रिकॉर्ड आई हैव टू से कि मुझे तो हमेशा से अच्छी लगती थी लेकिन अभी आजकल कॉम्प्लीमेंट्स की बरसात हो गई है दिव्यांका के लिए करेक्ट आप लोग मानते हैं मेरे पति को कितनी इनसिक्योरिटी हो रही होगी मैं तो एंजॉय करती हूं नहीं मुझे इनसिक्योरिटी नहीं होती यार मुझे पता है मेरी बीवी कहाँ जाएगी मतलब घर ही आना है बड़ी शरीफ है ये जो ना बड़े लखनवी स्टाइल में इस चिकन मसाला को बना रहे हैं तो इसको बन के तैयार होने में काफ़ी टाइम लगता है तो अभी वो तैयार हो रहा है बहुत ही धीमी गति में प्रेम से मसालों के साथ काफ़ी टाइम लगेगा इन शॉर्ट बिकॉज इसमें काफ़ी सारे लाइक बैक फोर्थ कहानी है कुछ यंग वाले लुक में है कुछ कुछ करंट टाइम की है तो थोड़ा सा लुक वगैरह का चक्कर है बट इट विल टेक सम टाइम एंड आई एम श्योर यू आप लोग अच्छी लगेगी नो नो इट्स अ फ्रेश स्टोरी इट्स अ डिफरेंट स्टोरी No, it's different. Not a continuation of the original series. So, मतलब the prequel or the or first sequel, one. Yeah. So it's a different, independent story altogether. Oh, I just met. मतलब सुनते ही मतलब थकान होगी. Host का नाम सुना. She gets so tired, yeah. She gets so tired. Hosting is not an easy job. But देख के बहुत easy लगता था. बिल्कुल नहीं मालूम था कि होस्टिंग इतना टायरिंग होता है इट इज़ रियली एक्साइटिंग फन स्पॉन्टेनियस होता है आपने जो बोला सामने से आपको रिप्लाई आता है रिएक्शंस आते हैं इट्स रियली फन लेकिन मैं भी मनीष पॉल से बाहर मिली थी मैंने उनसे पूछा कि क्या रात को आप लोग ही पाँव नहीं रखते बनता ज़मीन पर इतना पैर में दर्द होता है और अगले दिन उठते नहीं बनता एंड उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक रखा उन्होंने कहा कि हाँ छुट्टी लेता हूँ बिकॉज tiring is a tough job but it's totally a new experience for me I'm learning on job and I'm thankful that I took this show because phir itne khoobsurat experiences nahi ho pate aur itne pyare logo se nahi mil pati main I'm really happy that I got to meet all those singers and those amazing coaches on board ये बाहर कैसे आ जाती है यार कितनी आपने वो फोटो देखी ये बाहर कैसे आ जाती है आपने वो पिक्चर देखी है देखी कि नहीं नहीं ओह माय गॉड व्हिच वन सो यू एंड मी हम लोग वॉइस के सेट पे खड़े हैं और अच्छा वो बबलगम वाली अरे वाह यार क्या मतलब क्या टैलेंट है टैलेंट बॉस उन्होंने मेरा पेट एक्चुअली निकाल के इतना आगे कर दिया हां वो बहुत अच्छा था अभी हमें एडिट मारा इतना प्यारा एडिट नहीं है वो सच में है अभी हम रख के आए हैं वो डिटैचेबल है तो ऐसे एक जिप लगी हुई है इधर उससे बाहर निकल जाता है और कभी कभी ऐसे मन करता है तो किसी दिन ऐसे पिलो डाल के चले जाते हैं हम फिर निकाल देते हैं हमारी मर्जी मेरे फैंस को बहुत गुस्सा आया उन्हें बहुत गुस्सा आया कि लोग इतनी मनगढ़ंत कहानियाँ कैसे बना सकते बट आई रियली आई लाफ्ड आई हैड अ हार्टी लाफ कि लोग कितने वेल्ले और कितने क्रिएटिव हैं इट्स इंटरेस्टिंग हमारे होली के प्लान यार हम लोग भोपाल जाते हैं हर साल जो कि मेरा ससुराल है इनका मायका है
तो हमने फिक्स करके रखा हुआ है कि होली हम भोपाल में मनाएंगे और दिवाली चंडीगढ़ में। तो हमारे मेरे भोपाल मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो यहाँ से घर जाके मैं बैकपैक करने वाली हूँ पूरी रात और फिर सुबह की फ्लाइट है और फिर आके होली खेलूँगी, तो नींद नहीं होने वाली है। बट होली का मज़ा यही है। एब्सोल्युटली इट वाज जस्ट अ र्यूमर। और अभी तो हम लोग अपनी लाइफ एक्चुअली एंजॉय करना चाहते हैं। क्यों झूठ बोल रही हो? बता दो ना सच सच क्या जाएगा? ले लेंगे, उनको नहीं मालूम है कि आप कैसे कैसे मजाक करते हो। बता दो ना, देखो कितना भोला कितना क्यूट लग रहा है वो यार। He deserves to know. It's true. हक बनता है जानने का। अरे बाबा it's true. I'm telling you. अंदर की बात। No, I'm joking guys. It's a joke. I'm joking. He's a joker. He jokes a lot. तो ये जो जोक था ये बहुत ही फनी जोक था पर ये सच्चाई है। मस्त जोक मारा। So wishing you all a very happy holi. एकदम क्रिसमस टाइम में बोला मैंने। औरंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। ओके थैंक यू गाइस। वेरी गुड, हाउ आर यू? वेरी, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, बहुत टाइम बाद। ओके थैंक यू। अवार्ड मिल रहा है मुझे आज? अवार्ड नहीं मिल रहा बट डेफिनेटली नहीं। I have actually come to be a part of this because I'm not into television anymore. मैंने Big Boss से क्लास शो किया था टेलीविजन, उसके बाद मैंने कभी टेलीविजन पे आए नहीं। So I'm not the correct person to be nominated over here at this platform because I'm more into a digital person. But definitely it feels great to be on this platform because you get to see where television is going on and there's so much of things happening on television and masses are into television. And that's the beauty of the entire nation. TV ka replacement nahi hai. Main to saaf bol dunga. So, Kumkum Bhagya. Kumkum Bhagya. Yeah. Didn't work out. I'm not right now means I'm not wanting to go for television. I'm right now looking for since Panchbeat kiya hai abhi. Digital mein I'm trying for more of webs. But I'm not saying no to TV also at the same time because I'm really looking for even I think jo mujhe zyada suit kare as an artist I will love to go for that project. So but thanks to Ekta ma'am for offering me Kumkum Bhagya. But unfortunately but definitely I'm next aur kaam karenge ek bala ke saath aisa nahi. Haan ji मैं ऑनेस्टली बताऊँ मेरी लव से बात नहीं है, मेरी हिना से भी अभी तक बात नहीं हुई है इस बारे में। मैंने हिना को अभी जस्ट देखा था बट इस बारे में हमने कॉन्वर्सेशन नहीं करी है, हमने अभी तक बहुत टाइम से बात नहीं करी। हिना और मैं मिले नहीं है अभी बहुत टाइम से। सो इट जस्ट आई वॉन्ट से दैट आई हैव टू स्पीक टू हिम फर्स्ट दैट वाई इज ही हैज ही डन दैट बिकॉज फॉलोइंग एंड अनफॉलोइंग बच्चे करते हैं, मतलब देयर मस्ट बी सम रीजन बट इट डजंट मैटर। आई एम स्टिल फॉलोइंग हिम, आई विल फॉलो हिम बिकॉज आई लव हिम, राइट? उसको कोई प्रॉब्लम है? I think love is gonna be the correct person to answer that. So I can't say yes. हाँ सर, कभी कभी पर्सनल रिलेशनशिप्स इतने चलते नहीं बट प्रोफेशनली विकास एंड मी आर किलिंग इट आई थिंक। सो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड तो हैं। सो भगवान चाहे यही चाहे और यही हो रहा है। वो पागल हो करेगा, आई नो दैट। ही डेफिनेटली डू इट, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर। ही इट्स हिज थिंग, ही हैज क्रिएटेड दैट शो, ही विल डू इट, ही शुड डू इट आई थिंक। Rest is this call, obviously. We can't force anyone. But we all love that web series. We have given a lot of hard work. So, koi bhi artist agar koi bhi mana karega na us pure crew mein se, so obviously it's a sad feeling also at the same time. But rest is this call. So I can't be into that. Why not? Why not, man? Why not? How can I say no to Panchbeat? That's my first debut. People are loving me in Panchbeat, and I think. People have accepted me as an actor, so I feel blessed for this. So yeah, why not? Thank you so much, guys. Thank you.
judges. Pa. बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ दिस ओके बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ. आईटीए हमेशा हर साल कुछ नया लाता है, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस लाता है. सो आई थिंक आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट द परफॉर्मेंसेस. आई विश मैंने तैयारी की होती बट ये मेरा प्लान लास्ट मिनट बना है. वो सपोज टू बी समवेयर एल्स बट दैट गॉट कैंसल्ड एंड थैंक गॉड इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ. बट I did not get the chance to prepare for anything, so I've whatever you're seeing, I've done everything on my own today. Pata nahi is baar Holi ki feeling aisi aa rahi hai ki main kuch nahi karne wali hu. And main Holi is my favorite festival, so I'm sure main ghar ja ke Rohit ka dimag khane wali hu ki hamara plan kya hai kal. Yeah. सभी व्यूअर्स को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं. बी सेफ एंड डोंट गेट ड्रंक. थैंक यू. बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड है. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि कितना टाइम लिया है तैयार होने के लिए. तो आप एक्साइटमेंट लेवल पूछ सकते हैं कि जान सकते हैं कि कितना कितने ज़्यादा एक्साइटेड है. तो लड़कियों को टाइम ही लगेगा तो किसको लगेगा? मैंने तो लगेगा ना. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने. ये मत पूछो. मैं बता देता हूँ 15 मिनट. 15 मिनट ही लगे हमें भी. इनटू कुछ भी कर लो. 2, 3, 4 चार घंटे नहीं 3 घंटे. तीन हाँ अप्रॉक्स. सही खुद ही बोल दिया. तीन हाँ भाई. हम 8 बजे हम तैयार होना स्टार्ट हुए थे. 9:30 पे वी वर रेडी. ओके डेट डेट से 2 घंटे. नहीं हम तो अभी भी आए हैं. हमें पता नहीं अंदर व्हाट क्या चल रहा है. ये तो यूं कर रहे हैं. नहीं हाँ था चला गया अभी ऑफर हो गया. हाँ तो अवार्ड तो मिलेगा ना. बेस्ट बहन का अवार्ड मिलेगा बिट्टू को. बेस्ट जोड़ी अरोड़ा जी को. हाँ अरोड़ा जी और मेरे को मिलेगा बेस्ट जोड़ी का अवार्ड. बेस्ट पति का अवार्ड. जब हम अंदर जाएंगे अभी अंदर ही नहीं गए तो हम बता नहीं सकते अभी कुछ ज़्यादा. एक दूसरे के घर पे जाने वाले हैं. गुजिया खाने वाले हैं. और ये सरप्राइज था जो मैंने बता दिया. ये सरप्राइज था बट मैंने बता दिया अभी. और एक दूसरे को रंग लगाने वाले हैं. नहीं पता नहीं कोई प्लान था. नहीं अपने ही प्लान बना रहे हैं. ये रंग लगाएंगे एक दूसरे को. यस क्या है वैसे प्लान अरोर साहब? सबसे ज़्यादा जो फेवरेट डिश है जो घर में बनती है वो छोले भटूरे बनते हैं और गुजिया बनती है. और आपके घर पर क्या बनता है बताओ? मिठाइयाँ बहुत सारी. एक मिठाई का नाम बता दो. कौन सी बनती है? गुजिया बनते हैं. लड्डू बनते हैं. और खाने में पूरियां बनती है और सब्जी. तुम बता दो. हम सब मार्केट से लेके आते हैं. 1, 2, 3 हैप्पी होली. 1, 2, 3 हैप्पी होली टू ऑल. थैंक यू. इवेंट इज़ लाइव. आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग टू वॉच अवार्ड फंक्शन लाइव क्योंकि जो थोड़े थोड़े ब्लूपर्स होते हैं आई थिंक दे आर क्यूट एंड फनी. एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉमिनेटेड. आई एम नॉमिनेटेड सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू नो हु इज विनिंग एंड आई एम रियली एक्साइटेड. सपोर्टिंग एक्टर.
even I don't know actually, but I truly feel that it's been a brilliant run. It's a great show. It's a great family, and all good things, great things come to an end. Agar band bhi hota hai, to it's okay. नई चीज़ें सबके लाइफ में आ जाएंगी. बट आई एम रियली थैंकफुल दैट आई वाज पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल शो लाइक ये है मोहब्बत. वेल आई फील रियली ब्लेस्ड एंड आई थिंक वी एक्टर्स आर हु वी आर बिकॉज ऑफ ऑल आर फैंस. सो थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस, फॉर लविंग अस, फॉर एक्सेप्टिंग अस इन नागिन 3, एंड प्लीज कीप शावरिंग योर लव एंड वील कीप वर्किंग हार्ड. आई थिंक आई फील रियली ब्लेस्ड एंड लकी कि मुझे अच्छे अच्छे शोज़ का हिस्सा मिलने का मौका मिला. होपफुली इट्स जस्ट द बिगिनिंग एंड आई विल गेट टू डू मोर एक्साइटिंग वर्क. आई हैव ऑलरेडी बीन इन बिग पर्दा, पर मैं फिल्मों के पीछे नहीं भाग रही. मैं इस इंडस्ट्री में बहुत खुश हूँ. आई एम कंटेंट, आई एम हैप्पी, आई हैव अ ग्रेट लाइफ. एंड अगर कुछ ऐसा एक्साइटिंग सा फिल्म या अच्छा रोल आ जाता है, आई विल डेफिनेटली डू इट. Yeah, I've already done galti se mistake, and in the future also I'm sure I will do something or the other. Fingers crossed. I hope ki mujhe koi aisa role, challenging role mile aur jise karne mein mujhe bahut maza aaye. No, she shouldn't. She's too sweet and too honest to be in politics. Three songs. Lamborghini chalai janeo, and then of course my song, Teri Yaad, and then which other song? Oh, Taki 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 Rumba, Taki Taki Rumba. Yeah, probably. Thank you. मैं जब स्टेज पे थी, मैंने स्टेज पे भी यही कहा कि तब बेस्ट एक्टर एज अ प्रोटैगनिस्ट, आज बेस्ट एक्टर एज एन एंटैगनिस्ट. वो भी नॉट जस्ट बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल पॉपुलर, आई गॉट बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल जूरी एज वेल. सो आई एम सो सो ग्रेटफुल दैट आई एम जूरीज चॉइस एज वेल. यू नो योर फैंस लव यू इन अबंडेंस, दे लव यू सो मच. आपको पता है कि वो आपके लिए वोट करेंगे. कभी कम वोट्स आते हैं, कभी ज़्यादा वोट्स आते हैं, बट यू नो दैट कोई ना कोई तो जीतेगा. कमिंग फ्रॉम जूरी, इट मीन्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट. हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. डू यू लव इट? Yes, it is. I have an answer for this right now. Just now on the stage, I said when I received it and I mentioned back then, I got best actor as a protagonist, and today I'm getting best actor as an antagonist. And I promise I'm going to come back on the stage, take back this trophy as best actor protagonist again. You never know. They are not excited, honestly. They are really sad because पहले वो थोड़े खुश थे. अक्सर मुझे कहा करते थे, you are getting a lot of hate, कमोलिका अच्छी नहीं लगती लोगों को and all that. But now I think जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, my fans are really really more than loving, they're really appreciating me for what I'm doing, the way I am playing Komolika. Because jo Komolika tab thi, unhone bahut acha kaam kiya, Urvashi, she did a fab job. But now, ab is waqt jo Komolika hai, I made sure that I
add some my personal touch to it. And वो जो थोड़ा सा comic रखा है मैंने कोमोलिका को वो she's very funny, like kind of funny reactions she gives, आपको पता भी नहीं चलेगा अभी इतनी serious हो जाएगी अभी इतनी funny हो जाएगी. So I kept it like that and people are really really loving it. What you know what happens, the character becomes very endearing. So that is what is happening to Komolika. Like people don't want to watch her, but people want to watch her. So you know, it's said now you can hate her, you can love her, but you can't ignore her. As far as the show is concerned, yes, I am looking forward to come back. I think I'm going for a four months break. I have a couple of films to shoot, but. तब सिचुएशन क्या रहती है उस पर भी डिपेंड करता है. हाउ द शो इज़ डूइंग, वेदर एम आई रिक्वायर्ड और एम आई नॉट रिक्वायर्ड, मे बी द शो इज़ डूइंग वेरी वेल एंड इट डिपेंड्स ऑन वेर आई एम इन लाइफ आफ्टर इन सेप्टेम्बर. मे बी आई पिक अप अ न्यू शो और आई माइट कंटिन्यू विद अ न्यू शो एंड कसौटी एज वेल. सो नथिंग इज़ क्लियर, बट इट्स नॉट दैट आई एम एग्जिटिंग द शो लाइक फॉर एवर, ऐसा कुछ नहीं. आई थिंक सब कुछ आप बॉम्बे टाइम्स में एक आर्टिकल आया था उसमें सब कुछ क्लियर हुआ था. सो आई डोंट थिंक वी नीड टू क्लैरिफाई इट अगेन. वी आर वेरी वेरी पैली विद ईच अदर. आई वॉज जस्ट विद हर इन द वॉशरूम एंड वी वर लाफिंग अलाउड. सो देर इज नथिंग लाइक दैट. हूएवर क्रिएट्स दीज स्टोरीज इज अ स्टूपिड पर्सन एंड शुड बी लाइक. रियली? I don't know about it. I don't know about it. Really? हो गया होगा, ठीक है, दोस्त हैं, गुस्सा हो गया होगा किसी बात पे. क्या आप लड़ाई करते हो, एक दूसरे से बात करना बंद नहीं करते हो, फिर वापस बात करते हो ना? हो जाता है, big deal. He's a buddy and he'll remain a buddy. I cannot really share the details. Wait for two more days. You'll get to know. दो दिन रुक जाओ बाबा, दो दिन रुक जाओ, दो दिन रुक जाओ, पता चल जाएगा. And yes guys, happy Holi, all of you. तभी होली के दिन भी ऐसे कैमरा लेके खड़े होंगे क्या? मैं आऊंगी, मुझे फोन करना, मैं पीछे से आऊंगी कलर लगाने से. हम साथ में होली खेल रहे हैं. बाय. बहुत कभी कभी मिलते हैं, हमेशा नहीं मिलते. लाइक यू ऑलवेज कैन नॉट गो टू अवार्ड्स, जब हैं तभी जा सकते हैं, और जो कि साल में बस दो या तीन बार ही होते हैं. सो आई एम एक्साइटेड, आई जस्ट गो इन एंड सी व्हाट एवर इज हैपनिंग. आई विल एंजॉय द शो. या आई एम श्योर कि सबको करता होगा, मतलब जब आपको अवार्ड मिलता है तो वो एक तरह से आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि और आपको पता चलता है दैट यू आर वर्किंग गुड, तो आपको और मोटिवेशन मिलती है कि आप और अच्छा काम कर सकें, और अच्छे से काम कर सकें. सो इट इज़ या वेरी 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 गुड थिंग इफ इट हैपेंस. ओके, सो या एक्चुअली सो ओके दैट वॉज एक्सपेक्टेड, क्योंकि डेढ़ साल हो गया हमारे शो को, और कहीं ना कहीं जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी उसका एक जो एंड है, जो लोगों को लग रहा था कि हमारी, मेरी और समीर की, नैना और समीर की शादी ही उसका एंड होगा, जो कि एंड नहीं है. तो जब हम उस स्टेज पर आ गए, जब हमारी शादी होगी, तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया एंड वी लव्ड द रिस्पॉन्स एंड वी रियली रियली लव्ड इट. क्या या इट इज़ सुहागन कलर ना, रेड कलर, वो सुहागन पहनते. मेरी शादी अभी अभी हुई है, सो आई एम ऑन इन रेड.
होली में क्या कहना चाहूँगी, होली में कहना चाहूँगी हैप्पी होली, मज़े से खेलिए, खूब धमाल करिए, बस कलर्स से थोड़ा बच के रहिए, कुछ कलर्स एक्चुअली केमिकल फ्री नहीं होते, एंड ऑल्सो डोंट वेस्ट वाटर, बाकी इन्जॉय एज हेल। या मैं हर साल सोचती हूँ दैट आई वोंट प्ले दिस ईयर, बट मैं हर साल खेलती हूँ और फिर वो कलर हमेशा हटता भी नहीं है, आई डोंट लाइक दैट। थैंक यू। Good night. Like, I really am about to leave. Well, हाँ, actually ये right question है, because मैं देख के आई हूँ सब। I always enjoy because एक ही छत के नीचे सब मिल जाते हैं, सारे actors, you know, because सब busy रहते हैं अपने ही life पे। I really enjoyed और सबकी hosting, Nakul, Current Actor, Chang, everyone, बहुत मज़ा आया। I know, I'm so sorry, मैं आप लोगों को बहुत सताती हूँ, लेकिन you know, I'm just an actor, you know, who likes to choose my roles, because अगर मैं कुछ गंदा सा role करूँगी वो भी आपको पसंद नहीं आएगा, so I have always been very selective about my work, and I believe, you know, in more quality over quantity, so इसलिए मैं इतना breaks लेके आती हूँ, I'll be back soon. Of course, I want to wish all my fans a very happy and colorful Holi, and have a safe Holi. Thank you. ठीक है, see you guys यार, भूख लगी है। मुझे दूसरों के लिए एक्साइटमेंट है, खुद के लिए एक्साइटमेंट नहीं है, बिकॉज मैं किसी चीज़ के लिए नॉमिनेट नहीं हुई हूँ, बट हाँ मैंने देखा काफ़ी लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, काफ़ी शोज़ को अवार्ड्स मिले हैं, और तो सबके लिए बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं सोचती हूँ कि काश कि मेरे आज तक जितने भी रोल्स किए कोई तो मेरा रोल नॉमिनेट हो, मुझे कोई तो अवार्ड मिले, तो पहले तो यही चीज़ आती है दिमाग में, बट नहीं उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना अच्छे से ड्रेसअप होने का मौका मिलता है, सबसे अब नॉर्मली जब आप शूट करते हो तो किसी से भी आपको मिलने का मौका नहीं मिलता है, यहाँ पर आप काफ़ी फ्रेंड्स से मिलते हो, सो ओवरऑल ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। या सभी को मैं होली की विशेस देना चाहूँगी, सबको मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत ही सेफ होली की खेलिए और पानी ज़्यादा वेस्ट ना करिए, और हाँ ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ कीजिए। खालिद, थैंक यू खालिद। Number one, so we're going pretty strong, and I think the show has been you know, accepted very well, and yeah, it's a lot of fun because I'm working with good actors, so bada maza aata hai. Offer. No, there was absolutely no such thought in my head because when the first season got a lot, actually na mujhe lagta hai ki problem mere sath ye hai ki now I'm just so used to doing controversial shows, like I love controversy. Sorry, I'm kidding. It's just that the first part, yes, did get a lot of backlash or whatever, but because it was on you know, colors, and we're on wood, and the kind of audience we have now, I think the show is meant for them. We're on the correct platform, we're on a platform where it is going to be very sportingly accepted, so yeah, I think it's a lot of fun, and we're being accepted, we're not facing all of that. I feel bad for them.
सारी चीज़ें हुई है, अभी तक तो करियर को कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है. आप अगर आपका काम अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, मेहनत करो, इफ़ यू गुड एट योर जॉब यू पीपल आर गोइंग टू लाइक यू. इफ़ यू नॉट गुड एट योर जॉब यू इवन इफ यू डोंट डू अ कॉन्ट्रोवर्शियल शो नोबडी गोइंग टू लाइक यू. सो जस्ट इट्स आई डोंट रियली थिंक सो बिकॉज लाइक आई बिलीव इन लाइक गुड न्यूज़ ऑलवेज एंड आई थिंक इट्स बीन एक्सेप्टेड इन अ गुड वे. सो आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ फेस करना पड़ा. एंड आई नो दुनिया दृष्टि के बारे में भी जो भी बोले बिकॉज शी इज़ डन अ शो वी ऑल नो हाउ मच वी लव हर एंड हाउ इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट हर इन एनी वे. लेट्स जस्ट फेस इट लाइक या थैंक्स. Today I took a lot of time to get ready because I had a sequence where I had to get wet, so I had to first remove all my makeup, then do a new makeup, and then dry off my hair, then style my hair, then you know, get my dress fitted because there was a little issue with the fitting and a lot of hard. Otherwise I don't take a lot of time, but today I took thoda sa time. कल मैं अपना दिन शुरू शायद अपने फ्रेंड्स के साथ करूँगी. वी माइट जस्ट स्पेंड सम टाइम टुगेदर एंड देन फैमिली के साथ भी. महाराष्ट्रियंस वी मेक पूरण पोड़ी एंड एवरी थिंग, सो आई एम श्योर माई मम हैज़ हर पूरण पोड़ी रेडी. सो इट्स अ वेरी फैमिली काइंड ऑफ ओकेजन. नो या आई एम सो सिंगल आई कांट इवन टेल यू. आई एम लाइक नॉट इवन आई एम लाइक सिंगल. I don't even like anybody. I don't even have a crush on anybody. I am not even talking to a guy. I am not even meeting a guy. I am like this as single as anyone can ever be. Holi wishes obviously happy Holi. आप सब अपनी होली अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें और ड्राई होली खेलें, पानी ज़्यादा वेस्ट ना करें फैमिली के साथ. और जिन फ्रेंड्स के साथ या बाहर होली खेल रहे हो तो केयरफुल रहे कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे एंड जस्ट हैव फन. थैंक यू सो मच. आसिफ भाई क्या कहेंगे? सब हमारे जेठालाल को बहुत पसंद करते हैं. जैसे ही जेठालाल दिखते हैं हमारे दर्शक मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं. और वही है 11 साल से लोगों को हंसा रहे हैं. आज भी हमको 11 साल के बाद भी आज भी हमको अवार्ड मिला बेस्ट कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा. बस देखिए कॉमेडी करना सब जानते हैं बहुत मुश्किल है. इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस और उसमें अगर आपको इतनी सराहना मिलती है, लोगों का इतना प्यार मिलता है, तो वाकई में हम ऊपर वाले के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें इस लायक उन्होंने बनाया कि हम इतने करोड़ों लोगों के चेहरे पे एक हंसी एक मुस्कान ला सकते हैं. तो सबसे पहले भगवान स्वामी नारायण मेरे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ. और आसिफ भाई जो हमारे इंजन है हम उनके डिब्बे हैं, उनके पीछे पीछे लगे पड़े रहते हैं. आज भी उनमें वही जज्बा है वही लगन है और बहुत मेहनत करते हैं और पूरी हमारी टीम भी आज भी इतनी मेहनत करती है. हाँ जल्दी देखने मिलेंगे, थोड़ा इंतजार करिए. दया बहन की दया जल्दी होगी. वो अभी थोड़ा सब इलेक्शन हो जाए भारत के तो उसके बाद, क्योंकि अभी बहुत इलेक्शन है आईपीएल है तो उसके बाद हम लोग इस अभी ये अवार्ड शो में भी ये सवाल कहाँ आप बीच में घुसेड़ रहे हैं. हम हंसाने का काम कर दिया, हंसाने दो. आप भी हंसते रहो हम भी हंसते रहे. चलो थैंक यू शुक्रिया जी. कहा क्या पूछा मैं बहुत खराब लग रहा है कुछ ऐसा कोई अवार्ड मिलता है क्या होना ही नहीं चाहिए ऐसा सब क्या. अरे भाई अच्छा ही लगेगा ना अवार्ड मिलेगा तो वेरी हैप्पी जी. निश्चित तौर पे जब देखिए ये शो नहीं है, कुछ शो ऐसे होते हैं जो सफल होते हैं, कुछ शो ऐसे होते हैं जो सुपर हिट होते हैं, कुछ शो ऐसे होते हैं जो ब्लॉकबस्टर होते हैं, कुछ शो ऐसे होते हैं जो इतिहास होते हैं हिस्ट्री होते हैं. और तारक मेहता का उल्टा चश्मा टेलीविजन इतिहास का एक बहुत बड़ा
अध्याय है और मुझे खुशी है कि मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। भाई हमारा एक्सपीरियंस तो यही है, 11 साल से होली सेट पे ही खेलते हैं। क्या कहना चाहूँ, काले नीले लाल पीले जितने भी रंग हैं अगर आप लगाएंगे ये तो चेहरे से हटते हैं, मोहब्बत से होली खेलिए, मोहब्बत के रंग कभी नहीं मिटते हैं। I was hosting the red carpet and because it's live so you can't take a break and you have to be in front of the camera like throughout, so yesterday thoda sa tired hu, but it's all worth it, you know, till then I'm entertaining you all the fans, viewers, it's all worth it. With everyone and
आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट ऑल द एक्टर्स वर सो स्पोर्टी इनफ टू टेक पार्टिसिपेट एंड यू नो हैव फन. सो इट वाज रियली गुड एंड बिकॉज यू हैव टू बी स्पोर्ट इन ऑल दिस. सो इट वाज गुड. थोड़ा तो देखा मैंने. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड यू नो गोइंग डिजिटल मतलब गोइंग लाइव ऑन डिजिटल बिकॉज इट इज़ अ चैलेंज ऑल्सो फॉर एवरी वन द मेकर्स द चैनल ऑल द एक्टर्स एंड एंकर्स बिकॉज यू कैंट देयर इज नो रीटेक. सो या आई थिंक इट्स अ फैब आइडिया एंड आई थिंक आई व्हाट आई हर्ड एंड व्हाट आई सॉ दैट पीपल आर एंजॉयिंग एंड हैविंग फन. सो आई थिंक इट्स ऑल गुड एट द एंड. Special plans, yeah. I'll be with my family. It's first holi of my little daughter. So yeah, I'm very excited. And here I meet all my friends. They say ki tu kisi angle se baap lagta nahi hai. But I said I have a little cute daughter, and she's right now 11 months. And I want to say sorry to all the people who are asking me for her picture. I can't upload. Not till the time she's one. So yeah, my plans, I'm gonna be with her, play Holi with her, because yeah, like it's her first Holi. So yeah, it's, yeah. I wish all of you a very happy Holi, guys. Please be safe. Holi khelo, dushmani mat nikalo, because jo ek dusre pe Holi, matlab koi khelte hain, and I've seen people, you know, getting injured. Guys, just please be safe and happy Holi. Thank you, thank you, thank you. Hello, hi. So, okay, to start with, roll, action. Okay, to start with, abhi. जस्ट एक महाशय मेरे पास आए और कहें कि प्लीज़ एक पिक्चर हो जाए, तो ऑब्वियसली आई वॉज कमिंग हियर. उसका कारण ये था कि पिक्चर हो जाए क्योंकि मेरी कैब बुक हो गई, मुझे जाना है. प्लीज़ कैब आ गई है. आई वॉज लाइक हाँ ले ले भाई, मुझे पता है कैब जब जाती है तो क्या होता है. एनीवे या लेट्स स्टार्ट. थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग अस दिस बेस्ट जोड़ी अवार्ड. टूटना शुभ होता है ऐसा माना जाता है. ये टूटा नहीं है. टूटा नहीं है, तोड़ो कुछ. ही इज टू हंग्री डजंट नो व्हाट ही सेड. वेरी हंग्री थैंक यू फॉर कंसीडरिंग अस टेलीविजन के सबसे क्यूटेस्ट कपल. हम कहना चाहते हैं थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस एंड ऑल द फैंस हु हैव सपोर्टेड अस एंड लाइक आवर जोड़ी एंड टू इंडियन टेली अवार्ड्स फॉर गिविंग अस दिस, फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वर्क एंड बालाजी फॉर कास्टिंग अस. एंड वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि ये हमारा पहला अवार्ड है एंड एज अ जोड़ी एंड इंडियन टेलीविजन अवार्ड गॉट अस together over here and appreciated our work, our chemistry on screen, and it was good. I mean, we felt that it was a challenge क्योंकि कसौटी जिंदगी के जो पहले इतना बड़ा शो रहा है तो बहुत सारे सवाल हमें पूछे गए थे कि क्या ये चैलेंज है, क्या आप प्रेशर को सह पाएंगे, क्या आप पे प्रेशर है. Will we be able to do justice? Deliver. So we just believed in ourselves, our characters, and gave our 100%, and we got an overwhelming response from all across the globe. And as you can see right now, we have a kind of proof also. Yeah. Okay. पहले क्या था? पहले क्या था? पहले टेलीविजन में था ही नहीं. ये बोल दो ना. हाँ वेब. कैसी यार ये क्या था? वेब वेब. Number one YouTube show. Okay. अच्छा ओके. मुझे नहीं लगता ही इज कंसिडर्ड हिमसेल्फ दैट बिकॉज ही इज वेरी ग्राउंडेड एंड आई डोंट थिंक इट इज गॉटन टू हिम. तभी मुझे समझ में नहीं आया ए लिस्टेड क्या होता है. सिंपल इज दैट.
I don't get into that zone. Like A-listed or A. I just believe in doing your work and entertaining people and people loving you. That's the best thing you want. मतलब पुराना या नया? I don't think she's exiting. She's just taking a break. Yeah, she has other projects, so she's taking a break for a while. वापस आ जाएगी? Thank you. कितना क्या? सिर्फ चार घंटे तुम्हें लगे? मैं तुम्हारी वेट कर रही थी. हाँ. जोड़ी. आपको कहीं से नजर आया कोल्ड वॉर हमारे? मुझे ठंड लग रही थी. तो दोनों के बीच मैं खड़ा हूँ मैं और यहाँ से ठंड आ रही है. इसको भूख लगी है, फिर से बता रही हूँ, इसको भूख लगी है. ही डजंट नो व्हाट इज टॉकिंग. हाँ, मैं क्या क्लैरिफाई करूँ अगर कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बोलूँ? अगर आप देख सकते हैं देन यू कैन सी इफ देयर इज अ कोल्ड वॉर जेन्युइनली तो दिखेगा. है ही नहीं कुछ. That's good news for us. I don't know, हमें पता भी नहीं है कि ट्रैक आगे क्या, मतलब कहाँ जाने वाला है, क्या स्टोरी होने वाली है. तो जो भी होगा आई एम श्योर विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज द राइटर्स हैव थिंकिंग ऑफ समथिंग इंटरेस्टिंग. And they have created enough drama on the show. Also, Kamolika is there, but besides Kamolika, there are other several characters who are against us. 100%. I mean, they are, मतलब वो लोग भी काफी negative हैं. तो उनका पूरा एक list हो सकता है यहाँ पर. तो काफी characters हैं खेलने को on the show. And thanks to courtesy writer. And yes, he's also made sure that we come out really well. Anurag and Prerna, the chemistry comes out really well. The scenes comes out really well. And we've just performed. So yes, thank you so much on behalf of Kasauti Zindagi Ke for appreciating our work. From the entire team of Kasauti Zindagi Ke, we wish you a happy, happy Holi. Huh? Name was कसौटी की फैमिली पार्टी करेंगे, होली मनाएंगे, बस जी रंग उड़ाएंगे और बदला लेंगे. बदला लेंगे रंग का जो हम पे लगा था शूटिंग के टाइम. बदला लेना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चीयर्स. थैंक यू.